सॉल्व करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे मेथड हैं, बट पहले हमको ये जानना है कि जो इक्वेशन है वो किस टाइप की है। क्या वो इक्वेशन वन वेरिएबल है, क्या वो इक्वेशन टू वेरिएबल है, या क्या वो इक्वेशन मोर देन टू वेरिएबल की है। दोस्तों, इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा एक ट्री बनाएंगे। तो इस ट्री में सबसे ऊपर लिख लेते हैं अपना लीनियर इक्वेशन। इस ट्री का जो एक पार्ट है वो है वन वेरिएबल और दूसरा पार्ट है टू और मोर वेरिएबल। तो अगर हम इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो वन वेरिएबल इक्वेशन और यहाँ लिखें तो टू टू और मोर वेरिएबल इक्वेशन। दोस्तों, दोनों में आप देखते हैं किस तरह से काम करेंगे। तो वन जो है दोस्तों वो तो एक सिंपल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। सिंपल मेथड मतलब उसमें एक सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। अगर सिंप्लीफिकेशन हम कर पाए तो दोस्तों हम उसको सॉल्व कर लेंगे। बट अगर हम टू और मोर इक्वेशन की तरफ आए तो हमारे पास क्या क्या मेथड आते हैं दोस्तों। यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जो टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल जो है दोस्तों वो सॉल्व होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से दोस्तों वो सॉल्व होता है। इसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें तो जो थ्री और टू और मोर है, टू ऐसा बोल सकते हैं, थ्री और मोर वेरिएबल जो हैं वो दोस्तों कैसे होंगे सॉल्व। वो सॉल्व होंगे एक तो सब्स्टिट्यूशन प्लस एलिमिनेशन मेथड से, और इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे दोस्तों हाइब्रिड मेथड। हाइब्रिड मेथड दोनों ही यूज करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक और एक क्विक मेथड होता है जो कि नॉर्मली एमबीएस एग्जाम में काम आता है, क्योंकि यहां पर हमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी होती, हमें सिर्फ लॉजिक पर ध्यान देना, तो काफी काम आता है क्विक मेथड। इसको भी देखते हैं, बट इसके लिए कंडीशन है कि जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट है वो सभी इक्वेशन में, सभी वेरिएबल का सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक हिरैकी बना ली, एक ट्री बना लिया और अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाया कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले वन वेरिएबल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो वन वेरिएबल इक्वेशन पे चलते हैं। तो वन वेरिएबल इक्वेशन का सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 4x-3 = 11, 4x = 14 और x = 14/4। तो इसको यहां से हम अगर कैंसल आउट करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। और इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि x की क्या वैल्यू है यहाँ पे। एक और हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2y+6 = 14, 2y = 14 - 6, 2y = 8 और y = 8/2, ये कैंसल आउट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ आएगा 4, तो y = 4 इज द आंसर। तो ये सारे तरीके, ये सारे बेसिकली जो फॉर्म है वो वन वेरिएबल फॉर्म है। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है जो कि x यहाँ पे है, y यहाँ पे है, और यहाँ पे जो हमें बेसिक चाहिए वो चाहिए हमें सिंप्लीफिकेशन करना हमें आना चाहिए। तो इसकी टेक्निक ये होती है कि टेक ऑल वेरिएबल टू वन साइड, एक तरफ हम वेरिएबल को ले जाते हैं और इज इक्वल, और दूसरी तरफ टेक ऑल कॉन्स्टेंट्स ऑन अनदर साइड, दूसरी तरफ उसको हम कॉन्स्टेंट ले आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ 14 था तो 6 हमने देखिए यहाँ पर मूव कर दिया 14 के साथ, और यहाँ पर इसको सिंपलीफाई करके दोस्तों 8 बनाया। और इस तरीके से हम वन वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम टू वेरिएबल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है तो इसको किस तरीके से करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। x-y = 2 एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 3x-4y = 5। तो जो पहली इक्वेशन है उससे हम ये ड्राइव करते हैं कि x की वैल्यू y+2 होगी, क्योंकि हम y को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इसका साइन चेंज आएगा। और अब हम दोस्तों यहां पर
एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू में यहाँ पर रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर टू किस तरीके से हो जाएगी हमारी, तो थ्री वाई प्लस टू माइनस ऑफ फोर वाई इक्वल टू फाइव। यहाँ गौर करिए दोस्तों, अब ये वाली इक्वेशन सिर्फ वन वेरिएबल इक्वेशन रह गई है, इसको सिंप्लीफाई करना बचा है। थ्री वाई प्लस ऑफ सिक्स माइनस ऑफ फोर वाई इक्वल टू फाइव, माइनस वाई प्लस सिक्स इक्वल टू फाइव, और माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई इक्वल टू दोस्तों वन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से वाई की वैल्यू आ गई। अब ये चीज़ को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन का जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म था, तो एक्स इक्वल टू वन प्लस टू, तो ये आ जाएगा दोस्तों थ्री। तो आंसर जो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल टू वन, इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सिंपली कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ, तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला। तो यहाँ पर हमने कुछ क्या किया है, बेसिकली पहले जो इक्वेशन थी उसको एक्स की फॉर्म में ले लिया और एक्स दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ फिर ये एक वन वेरिएबल इक्वेशन बन गई, यहाँ पर ये देखिए वन वेरिएबल इक्वेशन बन गई, और फिर हमने इसको यहाँ पे ले जाके सॉल्व किया और इसकी वापस वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर वन का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म था उसमें रख दी, और हमें दोनों के दोनों आंसर जो हैं वेरिएबल जो हैं उनके आंसर्स मिल गए। आइए दोस्तों अब और गौर करते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन पे। टू वेरिएबल इक्वेशन पे बाय एलिमिनेशन मेथड के साथ दोस्तों किस तरीके से काम करता है, आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पीछे से ही ले लेते हैं अपना एग्जांपल, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू, थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू फाइव, ये क्वेश्चन नंबर वन थी। क्वेश्चन नंबर टू ये है दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन इस तरह से करेंगे, इक्वेशन वन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ये इक्वेशन नंबर वन हो गई मॉडिफाइड करने के बाद, थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद, और इक्वेशन नंबर टू एज इट इज ही रखी हुई है, इक्वेशन नंबर टू है। अब जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन डालते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ क्वेश्चन नंबर वन एंड टू में थ्री थ्री है, तो इसके अपोजिट साइन के लिए हम इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ पर जो इसका साइन है माइनस फोर का, उसको हम अपोजिट करने के लिए प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर जो फाइव का साइन है प्लस, उसको अपोजिट करने के लिए माइनस लिखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्लस फोर और माइनस सिक्स वाई, तो बन जाएगा वाई इक्वल टू वन, क्योंकि ये माइनस फाइव हो चुका है। और इसी चीज को हम रख देंगे पुट इट इन इक्वेशन वन, वन में इसको रख दीजिए, तो यहाँ पर एक्स माइनस वन इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू थ्री, तो जो एक्स इक्वल टू थ्री एंड वाई इक्वल टू वन, ये दोस्तों इसका आंसर यहाँ हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले हमने ये वाली फॉर्म बनाई, इक्वेशन को बोथ द इक्वेशन आर हैविंग इक्वल को इफिशियंट ऑफ वेरिएबल, जो एक वेरिएबल है एक्स का, उसका हमने जो कोफिशियंट है वो सेम किया, और फिर हमने उसको एक एलिमिनेट किया, जो साइन है उसका अपोजिट रखा, जिससे कि वो दोनों कट हो जाएं, एलिमिनेट हो जाएं, और इसी तरह से बाकी में भी उसका इफेक्ट होगा, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, और वाई इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू थ्री हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। आइए और गौर करते हैं, अब हम थ्री वेरिएबल इक्वेशन की तरफ चलते हैं, और इसको हम हाइब्रिड मेथड से, जो हमने पिछले पीछे देखा था हाइब्रिड मेथड, इसको हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का कॉम्बिनेशन बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। वो किस तरीके से काम करता है ये देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस ऑफ थ्री जेड इक्वल टू माइनस फोर, टू एक्स प्लस ऑफ थ्री वाई माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 15, 4x माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 19। दोस्तों ये तीनों मेरे पास इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री है। यहां पर मैं क्या करूंगा, इक्वेशन वन एंड टू को
सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा और इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से। और दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से मैं एक्स वाई एंड जेड को एक्स एंड जेड की फॉर्म में ले आऊंगा और वाई को मैं एलिमिनेट कर दूंगा यहाँ से। किस तरह से एलिमिनेट करूंगा ये देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, वाई माइनस एक्स माइनस 3 वाई प्लस ऑफ 3 जेड इक्वल टू -4। और यहाँ पर देखें तो 2x प्लस ऑफ 3 वाई माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एक लाइन डाल देते हैं यहाँ पे दोस्तों, गौर करिए जो ये दोनों जो बेसिकली एलिमेंट्स हैं उनके अपोजिट साइन है और इनकी जो कोफिशेंट है वो सेम है, तो ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे डायरेक्टली, कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए 3x और यहाँ देखिए दोस्तों +2z इक्वल टू 11 बनता है। तो ये एक इक्वेशन मेरे पास बन जाती है, हम इस इक्वेशन को नंबर 4 इक्वेशन बोलेंगे। तो अब हम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3 में से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, और सॉरी अब हम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और इसको भी कन्वर्ट करते हैं एक्स एंड जेड की फॉर्म में। तो किस तरह से करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस ऑफ जेड इक्वल टू 15। दोस्तों यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिए दोनों जो वेरिएबल जो वाई है ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पर ये बन रहा है 6x माइनस ऑफ 2z इक्वल टू, ये बन रहा है दोस्तों 34। और ये एक इक्वेशन और बन जाती है, ये मेरी है इक्वेशन नंबर 5। तो अगर हम गौर करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखें तो ये दोनों इक्वेशन मेरी एक्स एंड जेड की फॉर्म में है। तो और इसको हम सॉल्व कर लेंगे अपना सिंपल एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं किस तरीके से काम करती हैं दोनों इक्वेशन। 3x प्लस ऑफ 2z इक्वल टू 11 और यहाँ था 6x माइनस ऑफ 2z इक्वल टू 34। यहाँ पे एलिमिनेट डायरेक्टली हो रही हैं दोनों इक्वेशन। और यहाँ देखिए 9x इक्वल टू 45 एंड x इक्वल टू 5, क्योंकि 9 5 = 45 होता है। यहाँ पर x निकल गया दोस्तों, x निकल गया तो z भी निकल जाएगा। z किस तरीके से निकलेगा, इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो 3 × 5 प्लस ऑफ 2z इक्वल टू 11, 15 प्लस 2z इक्वल टू 11 और 2z इक्वल टू -4 और z इक्वल टू -2। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों z की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमें y की वैल्यू चाहिए दोस्तों, y हमने पीछे देखा था, हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। सबसे पहली इक्वेशन में अगर हम रखें तो यहाँ पर हम रख सकते हैं x माइनस ऑफ 3, यहाँ पर अगर हम रखें दोस्तों तो x की वैल्यू है 5, z की वैल्यू है -2, तो 5 माइनस 3y प्लस ऑफ 3 × -2 इजिकल टू -4। यहाँ पर एक ऐसे कर देते हैं कि हम यहीं पर इसको सिंपल कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 माइनस ऑफ 3y माइनस 6 इक्वल टू -4, -3y -1 इक्वल टू -4, -3y इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू 1। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया कि हमारा x इक्वल टू 5 आ रहा है, y इक्वल टू 1 आ रहा है और z इक्वल टू दोस्तों -2 आ रहा है। और हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया और ये एक हाइब्रिड मेथड था जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ हो रहा था और एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी दोस्तों यूज़ हो रहा था। इसके बाद हम लास्ट वाले मेथड में चलते हैं, उसमें हम ये देखना चाहते हैं दोस्तों, ये वाला जो मेथड है ये क्विक मेथड है, क्विक मेथड है। इसको क्विक इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन थी कि जो कोफिशेंट हैं एक्स वाई एंड जेड के वो यहाँ पर सेम हैं। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये एक बेसिक इक्वेशन है और ये तीनों इक्वेशन दोस्तों किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यहाँ पर इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर देखिए इनका कोई भी कोफिशेंट नहीं है। तो सिंपल जो मेथड होता है क्विक मेथड इसको बोलते हैं, इसको ऐड करेंगे, ऐड ऑल इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया दोस्तों, हमें 2x प्लस 2y प्लस 2z, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड होगी और यहाँ पर देखेंगे तो 18 प्लस 4 22 हमें मिल जाएगा।
टू कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया इक्वल टू 22 आ गया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दोस्तों 11 आ गया। और ये हमें यहाँ एक रिजल्ट मिला है, इस इक्वेशन को हम बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर गौर करिए दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 11 है, और एक्स प्लस वाई मेरे पास क्या है, एक्स प्लस वाई तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 से 1 आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, 4 प्लस जेड इक्वल टू 11, तो जेड क्या मिल गया मुझे, 7। अगर जेड 7 मिल गया तो इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो एक्स कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। और इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 1। तो दोस्तों तीनों चीज़ें मेरे को निकल गई, एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 7। तो यहाँ पर एक क्विकली मैंने इनको कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास तीनों इक्वेशन में जो कोफिशेंट था वो सेम था, तो यहाँ पर ये ऐड हो सकती हैं। और फिर ऐड होने के बाद हम वन बाय वन इक्वेशन में देखेंगे कि क्या हम वहाँ से निकाल सकते हैं, और फिर हम उसको अंदर उसमें पुट करते रहेंगे और उसका आंसर अल्टीमेटली निकाल लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।